सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिल जाती ड्यूटी कंपनी फिटेड 45 केजी का फ्रंट बम्पर मिल जाता है। हैवी ड्यूटी स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉन एडजस्टेबल कंपनी फिटेड फ्रंट एक्सल मिल जाते हैं। हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा तगड़ा बनाने के लिए कंपनी ने जो है यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग के डुअल पंप ऑफर किए हुए। हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड डुअल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब मिल जाते हैं। इनके 3 पॉइंट ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वार के साथ में आते हैं। के लिहाज से कंपनी ने जो है आपको स्टेक्टर में हाइड्रोलिक लॉक भी दिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज की फिर एक न्यू फ्रेश वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज हम लेकर आए हुए हैं इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर 50 हॉर्स पावर सेगमेंट के अंदर आने वाला 210 NM के मैक्सिमम टॉर्क के साथ में आने वाले दमदार और इंडिया के सबसे ज्यादा रिलायबल इंजन के साथ में आने वाले ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू वीडियो कुछ डिफरेंट फीचर्स के साथ में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहां पर कंपनी ने जो है आपको देख सकते हैं हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग के अंदर इस ट्रैक्टर की पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक की पावर को एनहेंस करने के लिए कंपनी ने जो है यहां पर आपको एक्चुअल में डुअल पंप ऑफर किए हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस आपको देने वाले हैं। साथ में इस ट्रैक्टर की जो पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक की बहुत सारे जो है एडवांस फीचर्स मिलने वाले हैं, वीडियो में आगे जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक के अंदर जो है कंपनी ने सेफरेट आपको ऑयल फिल्टर लगा के दिया हुआ है, और इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक के अंदर एक और कंपनी ने यहां पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक स्ट्रेनर ऑयल फिल्टर लगा के दिया हुआ है, जिससे इस ट्रैक्टर की लिफ्ट स्मार्ट सेंसिंग के साथ में स्मार्ट तरीके से और तगड़े तरीके से जो है वर्क करती है। यहाँ यदि हम बात करेंगे तो आपको जो है इस ट्रैक्टर का इंजन ऑयल फिल्टर मिल जाता है। साथ में यहाँ पर जो है आपको कंपनी ने इस ट्रैक्टर में 12 वोल्ट 2 किलोवाट तक की सेल्फ स्टार्टर मोटर भी प्रोवाइड कराई हुई है। और दोस्तों इस ट्रैक्टर के यदि हम अल्टीनेटर की बात करेंगे तो 12 वोल्ट 44 A का जो है आपको इस ट्रैक्टर में अल्टीनेटर मिल जाता है। फ्रंट की तरफ बात करेंगे तो हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड 45 से 50 kg का फ्रंट बम्पर ऑफर करती है कंपनी इस ट्रैक्टर में। और दोस्तों इस ट्रैक्टर के जो फ्रंट एक्सल हैं, यहाँ पर कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर में काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल दिए हुए हैं, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मजबूती के लिए जाने जाते हैं। इस ट्रैक्टर में जो है फ्रंट की तरफ आप देख सकते हैं बैटरी को रेडिएटर से डाउन करके दिया गया है, जिससे इस ट्रैक्टर के रेडिएटर में पर्याप्त मात्रा में हवा लगती है, जिससे इस ट्रैक्टर का इंजन बेटर कूलेंट सिस्टम के साथ में परफेक्ट तरीके से लंबे समय तक वर्क करता है। यहाँ जो है आपको इस ट्रैक्टर में 12 वोल्ट 88 A की एमरॉन कंपनी और एक्साइड कंपनी दोनों के ऑप्शन के साथ में आने वाली बैटरी मिल जाती है। दोस्तों इस ट्रैक्टर का जो रेडिएटर है, यहाँ पर कंपनी ने रिसेंटली चेंजेस किया है, और इसमें आपको देख सकते हैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जाली लगा के दी हुई है, जिससे इस ट्रैक्टर के रेडिएटर से बड़ा कचरा टकरा के यहीं पर गिर जाता है, जिससे आपके रेडिएटर में लंबे समय तक बेटर हवा जाती है, हवा का जो सर्कुलेशन है वो शानदार तरीके से बना रहता है। यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर विथ चोक सेंसर के साथ में मिल जाता है। और दोस्तों इस ट्रैक्टर की जो आपको स्टीयरिंग मिलती है ना, यहाँ पर कंपनी ने देख सकते हैं आपको सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग दी हुई है। इसके बाद भी कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर में देख सकते हैं यहाँ पर जो है पावर स्टीयरिंग के अंदर सेफरेट ऑयल बॉक्स दिया हुआ है, जिससे आपको स्टीयरिंग में लंबे समय तक स्मूथ परफॉर्मेंस मिलने वाली है। यहाँ यदि हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर में डीजल फिल्टर की, तो बॉश कंपनी का सिंगल डीजल फिल्टर मेड इन इंडिया के साथ में आने वाला मिल जाता है। यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में वाटर सेपरेटर की पोजीशन मिल जाती है। साथ ही दोस्तों इस ट्रैक्टर में जो है आपको देख सकते हैं टूल वगैरह स्टोरेज करने के लिए कंपनी ने जो है यहाँ पर आपको सेफरेट टूल बॉक्स ऑफर किया हुआ है। और दोस्तों इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वाटर कूलेंट इंजन के साथ में आता है, तो यहाँ पर कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर में सेफरेट वाटर कूलेंट बॉक्स दिया हुआ है। इस ट्रैक्टर में जो आपको इस ट्रैक्टर के यदि हम बोनट की बात करेंगे तो सिंगल पीस बोनट मिल जाता है डबल साका फोल्डर बार के साथ में। और डबल साका फोल्डर बार मिलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे जो हमारे बोनट साका बार की जो लाइफ है वो लॉन्ग हो जाती है, लंबे समय तक हो जाती है सिंगल साका बार की तुलना में। दोस्तों यदि हम इस ट्रैक्टर में बात करें इंजन की, तो इसमें जो है आपको बॉश कंपनी के फ्यूल इनलाइन पंप के साथ में 3 सिलेंडर वाटर कूलेंट नेचुरली स्प्रेटेड 50 HP का इंजन मिल जाता है, जो कि 210 NM तक की मैक्सिमम टॉर्क के साथ में आता है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम फुल डिटेल रिव्यू कर रहे हैं, ये है सोलिस की तरफ से आने वाला। फ्रंट की तरफ से यदि हम इस ट्रैक्टर में बात करेंगे तो सोलिस का जो है आपको इस ट्रैक्टर में डेलिकेटेड लुक मिल जाता है। 2-4 हेडलैम्प मिल जाते हैं, जो कि आपको बेटर विजिबिलिटी देने वाले हैं। लेफ्ट तरफ में यदि हम बात करेंगे तो सोलिस 50-15 की बैजिंग मिल जाती है। कोलाब्रेशन विथ यानमार जापान की जो है आपको इस ट्रैक्टर में बैजिंग मिल जाती है। और अब जो सोलिस है हमेशा से अपने ट्रैक्टरों में 5 ईयर की इंजन मैनुफैक्चरिंग वारंटी भी प्रोवाइड करा के देता है। साथ ही इस ट्रैक्टर में जो आपको देख सकते हैं 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर करता है सोलिस। और मैं आपको इस तरफ से भी दिखा दूं इस ट्रैक्टर का लुक, क्योंकि लोग बोलते हैं सर आप ट्रैक्टर का लुक नहीं दिखाते, तो यहाँ से जो है आपको देख सकते हैं राइट की तरफ सोलिस 50-15 की बैजिंग, गोल वाला साइलेंसर मिल जाता है जो कि बेटर क्वालिटी की नॉइसेशन के लिए जाना जाता है।
सेम स्टीकर सेम बैजिंग मिलते हैं दोस्तों दोनों तरफ ही। और भी ज़्यादा फीचर्स की बात करेंगे, उससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टायर साइज़ की यदि हम बात करेंगे दोस्तों इस ट्रैक्टर में, तो 7.5x16 का जो है आपको इस ट्रैक्टर में टायर मिल जाता, मतलब 7x50x16 का। पिछले टायर की यदि हम बात करेंगे तो इसमें भी जो है आपको दोनों में कंपनी आपको सीएट के टायर ऑफर करती है। पिछला टायर जो है आपको इस ट्रैक्टर में 14x28 टायर साइज़ के साथ में आते हैं। इस ट्रैक्टर का जो आपको फुट स्टेपर मिल जाता है इंजन से कनेक्ट करके दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ के लिए जाने जाते हैं। और फ्लैट प्लेटफॉर्म ऑफर करता है सॉलिस अपने हर एक ट्रैक्टर में, जिससे ट्रैक्टर चालक का जो कंफर्ट है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। यहाँ यदि हम बात करेंगे तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर में ड्राइवर ग्रैब हैंडल दिया है, और पैसेंजर ग्रैब हैंडल यू आकृति वाला मिल जाता है, दो जगह से सपोर्टिंग बार के साथ में आने वाला। चलिए चलते हैं इस ट्रैक्टर के ऊपर। और दोस्तों इस तरह यदि हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर की फ्रंट की तरफ की विजिबिलिटी की, तो एकदम क्लियर विजिबिलिटी जो है आपको इस ट्रैक्टर में मिलने वाली है। इस ट्रैक्टर में यदि हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो डिजिटली और एनालॉग दोनों तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सॉलिस आपको इस ट्रैक्टर में ऑफर करता है। यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में फ्यूल इफिशेंसी बड़े से मीटर में आरपीएम की इन्फॉर्मेशन, टोटल मतलब ट्रैक्टर कितने घंटे चला है, यहाँ पर जो है आपको टोटल ट्रैक्टर कितने घंटे चला है, यहाँ पर समय की इन्फॉर्मेशन और ट्रैक्टर टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलती है। टोटल 11 तरह की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो आपको इस ट्रैक्टर में इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में लाइट्स और हॉर्न का कंट्रोल मिलता है ना, ये बहुत शानदार है, क्योंकि इससे ड्राइवर चालक का जो कंफर्ट है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। साथ ही दोस्तों इस ट्रैक्टर में यदि हम ड्राइवर के राइट तरफ की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में नंबर ऑफ गियर 5 मिल जाते हैं। मैन यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर के DCPC लीवर मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर का ब्रेकिंग लॉक मिल जाता है। और इस ट्रैक्टर में यदि हम ब्रेक की बात करेंगे तो कंपनी जो है आपको इस ट्रैक्टर में मल्टीप्लेटेड डिस्क ब्रेक के साथ में जो है आपको इस ट्रैक्टर में ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। क्लच के अंदर यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो है कंपनी ने आपको इस ट्रैक्टर में डुअल क्लच ऑफर की हुई है, मतलब इसमें जो है आपको डुअल क्लच प्लेट डुअल प्रेशर प्लेट मिल जाती है, जिससे आपको क्लच की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग मिलने वाली है। ड्राइवर के लेफ्ट तरफ जो है आपको इस ट्रैक्टर में लो हाई और रिवर्स का गियर मिल जाता है। इस ट्रैक्टर में यदि हम PDU लीवर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर का PDU लीवर मिल जाता है। और ये जो ट्रैक्टर है मल्टी गियर स्पीड विथ रिवर्स PDU के साथ में आता है। दोस्तों इस ट्रैक्टर में यदि हम टोटल गियर की बात करेंगे तो 10 फॉरवर्ड 5 रिवर्स फुली कॉन्स्टेंट एंड स्लाइड में गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन जो है इस ट्रैक्टर में ऑफर करता है सॉलिस। और मोबाइल चार्जिंग जैसी कनेक्टिविटी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में 12 वोल्ट की मोबाइल चार्जिंग कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिससे आप मोबाइल चार्जिंग कनेक्टिविटी बड़ी आसानी के साथ में ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म जो है आपको एकदम फ्लैट मिल जाता है, जिससे आपको बैठने में और इस ट्रैक्टर को ड्राइव करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं जाने वाली। चलिए हम आपको इस ट्रैक्टर के स्टार्ट करके इस ट्रैक्टर का साउंड नॉइजेशन और टर्निंग रेडिएशन चेक कराते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, क्योंकि हम जो है इसी तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा से लाते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर। टर्निंग की बात करेंगे पहले, देखिए शानदार टर्निंग रेडिएशन है, 2000 रेटेड RPM क्लेम करती है कंपनी इस ट्रैक्टर में। फ्यूल कम है, बंद कर देते हैं दोस्तों, फ्यूल जो है कम है, इस कारण से हम जो है आपको इस ट्रैक्टर का RPM चेक नहीं करा पा रहे, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर चेक कराएंगे। चलिए उतरते हैं पीछे की तरफ नीचे और बात करेंगे पिछले हिस्से के फीचर्स की। यहाँ पर जो है आपको देख सकते हैं हाइड्रोलिक लॉक भी मिल जाता है, कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक लॉक भी दिया हुआ है। सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे तो, और सीट जो है आपको इस ट्रैक्टर में कंपनी मल्टी एडजस्टेबल ऑफर करती है ना, मतलब कोई भी इंसान अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। इस ट्रैक्टर के जो फेंडर के नीचे गैप है काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है कंपनी ने, जिससे पलरिंग मचौआ करते समय इस ट्रैक्टर के फेंडर नहीं बुझेंगे। और टायर साइज़ को लेकर एक चीज़ और बताऊँ, इसमें जो है 16 और 14 दोनों के टायर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर में पीछे की तरफ की फीचर्स की। तो पीछे की तरफ जो है सॉलिस का डेलिकेटेड आपको इस ट्रैक्टर का लुक मिल जाता है। फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड डुअल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब मिल जाते हैं। टापलिंग के अंदर कंपनी 3 पॉइंट देती है, जो कि ऑटोमेटिकली डेफरेंट ड्राफ्ट कंट्रोल वार के साथ में आते हैं। LED लाइट जैसी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में सेफरेट सॉकेट बार मिल जाता है। 2 लीटर तक का वाटर स्टोरेज, ठीक सीट के पीछे रिफ्लेक्टर, और साथ में इस ट्रैक्टर के फेंडर ना फैलें इसलिए कंपनी इसमें आपको देख सकते हैं हैवी ड्यूटी पाइप अटैच करके देती है।
और दोस्तों इस ट्रैक्टर में जो आपको बैकलाइट मिलती है ना, गोल वाली हेलोजन लाइट मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी आपको नाइट के समय विजिबिलिटी देने वाली है। यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में इंडिकेटर ब्रेकिंग लाइट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है। नंबर प्लेट की बात करेंगे तो कंपनी जो है यहाँ पर आपको देख सकते हैं नंबर प्लेट विथ इंडिकेटर जो है आपको प्रोवाइड करा के देती है। और दोस्तों इस ट्रैक्टर की यदि हम पीडीयू पावर की बात करें ना, तो इस ट्रैक्टर में जो आपको 43 HP की मल्टी गियर स्पीड विथ रिवर्स पीडीयू जो है आपको इस ट्रैक्टर में ऑफर करता है सॉलिस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने जो है यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी आपको रियर एक्सल भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। और इस ट्रैक्टर के जो स्टेपर हैं आपको काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोलिक टाइप हैवी ड्यूटी स्टेपर मिल जाते हैं जो जिनको एडजस्ट करना भी आसान होता है और ये लंबे समय तक लॉन्ग लाइफ तक आपका साथ देने वाले हैं। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में लिफ्ट कैपेसिटी की बात करेंगे तो 2000 केजी की बेहतर क्षमता वाली जो है आपको इस ट्रैक्टर में सॉलिस लिफ्ट कैपेसिटी ऑफर करता है। बात करें दोस्तों यदि हम इस ट्रैक्टर में स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की, उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस ट्रैक्टर में जो आपको इंजन के अंदर 265 और 186 किलोवाट का स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन मिल जाता है। पीडीयू जो है आपको इस ट्रैक्टर में 34.2 किलोवाट का स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन पीडीयू के अंदर, और इस ट्रैक्टर में जो आपको 45.46 यानी कि ऑलमोस्ट 46 HP की मल्टी गियर स्पीड के साथ में आने वाला पीडीयू मिलता है। दोस्तों बहुत तगड़ी पीडीयू परफॉर्मेंस के साथ में आता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज सॉलिस 50-15 की खूबियों से भरी ये फुल डिटेल रिव्यू वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।